आप तीनों से मेरा ये सवाल है, क्योंकि विंटर है और समर है, तो क्या समर और विंटर में आप लोग ब्राइड्स की बेसिस सेम रखते हैं या उसकी स्किन की प्रेप अलग होती है? बेसिस स्किन की प्रेप अलग होती है, बेसिस वही होती है, फाउंडेशन वही होते हैं, लेकिन डेफिनेटली स्किन की प्रेप्स अलग होती है। और जब मेकअप से पहले ब्राइड्स आती हैं फॉर देयर प्री सर्विसेज, तो उसमें जो कस्टमाइज फेशियल होता है वो समर्स में डिफरेंट होता है और विंटर्स में डिफरेंट किया जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स यू नो लाइक फाउंडेशन जो होता है ना वो डिपेंडेंट होता है आपकी स्किन टाइप पे। अब अगर आपकी ड्राई विंटर्स में अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो फिर आपको जो है वो फाउंडेशन थोड़ा बहुत कस्टमाइज जाहिर करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू स्किन। अच्छा, आप देखो जो बच्ची है, जो दुल्हन है, उन लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि हमारी स्किन टाइप क्या है, ये तो आपको नहीं, तो वो हम असेस करते हैं। आप लोग देख के बता देते हो कि आपकी स्किन जो है ना अभी ड्राई, थोड़े से सवाल भी पूछने पड़ते हैं यू नो कि किस किस्म के जो है वो आपकी आपकी पर्टिकुलरली क्या एक्सपीरियंस रहा है स्किन के लिहाज से। यू नो कई दफा फ्लेकिंग आपको नजर आ रही होती है कि स्किन के ऊपर फ्लेकिंग हो रही है, स्किन ड्राई हो रही है, पैची है स्किन, तो वो आपको पता लग जाता है कि अच्छा हाँ यू नो लाइक ये इसकी स्किन की जो प्रेप है या इसकी स्किन की जो केयर है वो ऐसी नहीं है कि अपना एक्सफोलिएट कर रही है, तो फिर आपको टच करने से ही पता लग जाता है, देखने से पता लग, तो फिर आपको उस हिसाब से जो है वो फिर हाइड्रेटिंग बेस इस्तेमाल करनी है विंटर्स में यू नो या ड्राई स्किन के ऊपर। और अगर ऑयली स्किन है तो फिर जाहिर है आपको थोड़ा सा मैटिफाइंग बेस करना है इस्तेमाल, जो कि आपका लॉन्ग टर्म जो है वो चले। क्या ये भी सवाल होते हैं आप लोगों के कि क्या आपकी आउटडोर है अगर दोपहर में शादी है, आउटडोर है अगर आपकी दोपहर में शादी है, इंडोर है, क्योंकि देखिए आजकल तो वेन्यू, मैं तो पता है गर्मियों में मतलब इवन दो कि मैं नहीं ये इस किस्म का सवाल पूछना चाहती, बट अलॉट ऑफ टाइम्स मुझे मैं पूछने पे मजबूर होती हूँ कि आपके जो हॉल है उसमें प्रॉपर एयर कंडीशनिंग है कि नहीं है, खासतौर पर गर्मियों में, क्योंकि ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जहाँ पे प्रॉपर एयर कंडीशनिंग नहीं होती है तो वो फिर अमूमन तो होती है हॉल्स के अंदर, लेकिन जब घर में होता है, फंक्शंस ऐसे घर में होते हैं वहाँ पे एयर कंडीशनिंग नहीं होती है, अब पंखे के अंदर यू नो गर्मी में इट्स, तो फिर हमें फिर बेस ऐसी लगानी पड़ती है कि वो थोड़ी सी जम जाए।